हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉट व्हीलर लवर चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो इतना गर्मी में जो शॉर्ट कोट का जो पप्पी होता है, डॉग होता है, तो उनको नहलाना चाहिए। तो बहुत गर्मी में और बहुत परेशान हो जाता है लोग, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो देख लीजिए मेरा मम्मी के पास कैसे सुंदर से रहता है। और सब कोई बोलता है गार्ड डॉग रॉट व्हीलर, गार्ड डॉग है, पर मेरे को नहीं लगता है। पर मम्मी के वो में प्रॉपर उठ गया। मतलब रॉट व्हीलर एक ऐसा ब्रीड है, फैमिली डॉग सबसे अच्छा। मतलब जो कोई बोले, हमको तो सबसे अच्छा लगता है सब बोलने के लिए, ये फैमिली डॉग एक नंबर फैमिली डॉग है। ठीक है, तो देखिए कितना मेरा मम्मी के साथ कितना अच्छा उसका बॉन्डिंग है। तो मेरा मम्मी को अगर मैं मजाक से मारना चाहूँ तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर बैठा है, नीचे भी नहीं बैठेगा वो, मम्मी के ऊपर बैठेगा। देखिए पूरा, अभी थोड़ा क्या करना पड़ेगा इसको, इस मौसम में, इतना गर्मी के मौसम टाइम में, दो हफ्ता में दो तीन बार चार बार आप लोग नहला सकते हो, कुछ नहीं होता है। और जो स्किन जो रहता है उसको बढ़िया से कुछ लेके उसको बढ़िया से साफ़ कर दो। उसके बाद क्या करना चाहिए, पूरा बढ़िया से उसको पोंछ लो सारा शरीर को। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मसाज चल रहा है। देखिए बहुत खुश है, चुपचाप बैठा है। देखिए और किसी के ऊपर कोई उसका मतलब एग्रेसिव नहीं दिखाता है, बहुत फ्रेंडली है। सबको बोलता है रॉटवेलर बहुत डेंजर, बहुत एग्रेसिव। ठीक है, इंसान 50-60% इंसान तो यही सोचता है कि बहुत एग्रेसिव, बहुत ख़राब ब्रीड है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। और जिसको जिसको नहीं लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के पास रॉटवेलर है तो कैसा है। और इसको हम लेके बाहर घूमेंगे और पब्लिक रिएक्शन वीडियो हम लोग सबको आप लोगों को देंगे। और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है मेरा मम्मी के साथ, मेरे घर के सभी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है उसका, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। देखिए कितना अच्छा कोल में बैठा है, जैसा छोटे छोटे बच्चे बैठता है कोल में माँ का, ऐसे वो उसका संपर्क है मेरे मम्मी के साथ। तो छोटा से जब इसको लाया था हम लोग, 37 डे इसका एज था, तभी से ये हम लोग का साथ रहता है घर में। अगर कोई ब्रीड आप लोग लेना चाहते हैं तो लीजिए प्लीज़, लेकिन उसका एक डॉग के रिश्ता से मत लीजिए, उसका फैमिली का मेम्बर हिसाब करके उसको लेना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा होता है, उसका नेचर और टेम्परमेंट आप लोग देख सकते हैं। और नया नया वीडियो आएंगे आप लोग के सामने, वीडियो लेके आएंगे हम लोग। तो पब्लिक रिएक्शन, तो घूमने जाएंगे जब, इसको लेके जाएंगे हम लोग और सबको दिखाएंगे कि एक रॉट व्हीलर क्या हो सकता है। ये सब कोई बोलता है तो रॉट व्हीलर एग्रेसिव है, काट लेगा। हम कोई ऐसे लोकेशन में हम लोग जाने वाले जिधर कोई इसको नहीं पहचानते हैं, तो सबको सबके साथ इसको मिलाएंगे, इसके साथ घूमेंगे। तो ये खाना दो तीन टाइम इसको खाना मिलता है सुबह से, तो टिफिन सब कुछ मिलता है। और अभी चिकन, अगर चिकन नहीं देना है तभी चलेगा, सब कुछ चलता है इसका। तो देखिए, और बहुत इसका शक्ति है शरीर में। ठीक है, एक रॉट देखिए मेरे पास चला आया है। ठीक है, रॉट व्हीलर का बहुत पावरफुल डॉग है। ठीक है, और अगर इससे आप लोग मतलब देखिए मेरा मम्मी के गोद में उठ, मेरा मम्मी बैठ गया, देखिए मेरा मम्मी को गोद में उठ जाएगा। देखिए क्या करता है, देखिए मम्मी को फेंक दिया। देखिए इसका बॉडी एवोल्यूशन देखिए, और पूरा किंतु फ्री घूमता है घर में, पूरा फ्री रहता है। और जब बाहर ये निकलता है तब इसको बेल्ट देना पड़ता है, ताकि खाने का टाइम बहुत सैतनी करता है। तो अभी बहुत गर्मी का टाइम है। अभी नीचे पंखा में रहता है, इन लोग का कोट छोटा होता है, शॉर्ट होता है उसको होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसको प्रॉपर नहाना चाहिए, दो तीन दिन हफ्ता में तीन चार दिन तो हम इसको नहा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब नहाना हो जाएगा तब घर में पंखा चलाएगा तो बढ़िया से सो जाएगा बस, और कोई सैतनी वैतनी नहीं करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। देखिए माँ को किस कर रहे, देखिए पूरा बच्चा की तरह इसको रखा है घर में, सबका जैसा बच्चा रहता है घर में वैसे वो ये भी घर में बच्चे की तरह ही रहता है। और बहुत फ्रेंडली है। और आपके ऊपर रखने के ऊपर ये निर्भर करता है कि कैसे इसको ये इसका टेम्परमेंट कैसे होगा। आप हर समय इसको बांध के रखिएगा तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत एग्रेसिव हो जाए तब इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन। मतलब इसको हैंडल तब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ठीक है, अब इसका छोटा से इसका जब ब्रह्म लाया था 37 डे एज साइज का, तब इसे सबके साथ बहुत बढ़िया से मिलाना झुलाना, सबके साथ खेलता था, छोटा छोटा बच्चा के साथ खेलता था, तभी से ये इसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है,
तो पूरा देख रहा है, मेरे माँ को देख रहा है। थोड़ा सा पैर में कुछ हुआ है उसका, बहुत बहुत मतलब छोड़ देता है तो बहुत सहते नहीं करता है। इधर उधर देखिए कैसा गर्मी लग गया, पूरा गर्मी लग गया। अब नहा दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश हो गया है। पब्लिक रिएक्शन वीडियो आने वाला है, तो जल्दी से जो जो चैनल में नया है, अगर रॉटविलर आप लोगों को पेट ऐसे पेट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और हिंदी में प्रॉब्लम होता है, अगर बंगाली में वीडियो बनाएगा तो सबको नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा बात करने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सबसे। तो चलिए और वीडियो इधर नहीं बड़ा करना है, ठीक है, वीडियो इधर ख़त्म करना है। तो थैंक यू सभी को जो जो मेरे वीडियो को देखते, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत धन्यवाद। ड्रोनमी, ये ड्रोनमी ये देखिए।